विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुका है और इसे लेकर तमाम पार्टी अब एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, लगातार बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में JBKSS पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन था, और इस बार विधानसभा को लेकर एक बार वापस से इन लोगों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में केंद्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक आज यहाँ न्यू टाउन हॉल में एकत्रित हुए हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक की गई, दूसरे से राय विचार विमर्श किया गया। आइए हम बातचीत करते हैं टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम है तो, और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं उन लोगों से, और जानने का प्रयास करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, इस बार कितनी सीटों पर इनकी पार्टी दावेदारी कर रही है और क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या इस बार ये किसी गठबंधन की सरकार में शामिल होती है या वापस से लोकसभा चुनाव की तरह ही ये स्वतंत्र लड़ेगी। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, तमाम विंग और धनबाद और बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की थी, हो ही रही है, और आज की बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोग विधानसभा के चुनाव में हम लोग की तैयारियां क्या होंगी, कैसे हम लोग विधानसभा के चुनाव को फतह करेंगे और इस राज्यवासियों के जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए जाके नीति नियम बनाने में हस्तक्षेप कैसे करेंगे, इन सब गंभीर विषयों पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है, चर्चा परिचर्चा भी जारी भी है। देखिए, 50 से अधिक सीटों पे हमारी तैयारी है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग 8 सीटों पे लड़े थे जिनमें 46 सीटें आती है, तो उनमें तो तैयारी है ही है। हर एक क्षेत्र में हमारे कैडर हैं, कम हैं कहीं अधिक हैं, और विधानसभा चुनाव के नज़दीक जाते जाते उनकी संख्या में इजाफा होगा, दुगनी होगी तिगुनी होगी, तो उन सीटों पर लड़ेंगे। उसके अलावा 2-4 विधानसभा लोकसभा छूटे थे और उन सीटों पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जी कुछ चूक रही, देखिए हाँ उनकी भी समीक्षा हो रही है। लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी चूक रही कि हमारे पास जो केडर नहीं थे, चुनाव हम लोगों ने केवल एक इमोशन से चुनाव लड़ा, हमारे पास बूथ में बैठने के लिए बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अगर बूथ मैनेजमेंट होते हैं, अगर एक बूथ में मान के चलिए 20 बूथ ही एक्स्ट्रा एड होते हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 2000 बूथ हैं, तो 2000 को आप 20 से गुना करके देख लीजिए, तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रही, हमारी कमी जो हमारी केडर्स रहे उनमें कमी रही। हम केडर्स भी अगर रखते तो कम से कम केडर वोट भी हमें आता, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार होती है वो प्लान कभी नहीं रहा। हम लोग हमेशा सभाओं में रहे, हमेशा रोड शो में रहे, क्योंकि समय ही नहीं था, क्योंकि बाकी जो दल थे उनके पास बाकी स्टेट से भी लीडर आते थे। इंडिया गठबंधन के पास नहीं करने से भी 1000 स्टार प्रचारक हैं, एनडीए गठबंधन के पास भी 1000 स्टार प्रचारक थे, लेकिन जरा महतो की टीम में सारा चीज़ हम लोग के सेंट्रल के जो 2-3 चेहरे थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साधन संसाधन की कमी, समय का अभाव रहा। अगर समय और 10 दिन मिलता तो गिरडी लोकसभा हम चुनाव जीत जाते, ये मेरा विश्वास है। जो लोकसभा चुनाव, देखिए अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद चूंकि भाजपा का गढ़ रहा, तो ऐसे में आपकी जो संगठन है वो कहाँ देख रहे हैं? धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा है पिछड़े, सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं, लोग कभी कुछ बातों पे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। देखिए ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटा नागपुर की 25 की 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर पे आते हैं उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं उन 2500 सीटों पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पे कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, और बाकी गठबंधन भी आप लोग करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे हम लोग, अपने दल के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी गठबंधन के छत्र छाया में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो लड़े हैं उनको टिकट मिलेगा? नहीं, देखिए देखिए वो वहाँ के हमारे जो संगठन के फीडबैक है वो तय करेगी, क्योंकि पहले तय हुआ था कि जो लोग लोकसभा, क्योंकि हम लोग विकेंद्रीकरण की लगातार बात करते हैं कि सबको अवसर मिलेगा, तो अगर इसीलिए हम लोगों ने पहले ये तय किया था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। बकायदा ये तय वहाँ की जो टीमें हैं, वहाँ के जो साथी हैं, वही तय करेंगे। देखिए अगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं गिरिडीह लोकसभा की किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा और धनबाद लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा में से किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा, तो यही फिलहाल मंथन चल रहा है और संगठन का भी यही निर्णय है। जातीय समीकरण भी रहेगा क्या टिकट बंटवारे में? नहीं, जातीय समीकरण नहीं, जो पहले से आंदोलन में जुड़े हैं, जो हमेशा अगुवाई किए हैं, हालांकि सामाजिक समरसता की बात हर कोई करता है, हर कोई करना भी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन से जुड़े
लड़के हैं वो प्रथम रहेंगे, उसके बाद बाकी जो समीकरण आप कह रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। मुद्दा लेके जा रहे हैं जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आज भी 24 वर्ष हो गए झारखंड को, अगर आज भी इस राज्य की एक स्थानीय डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण जब भी यहाँ की कोई वैकेंसी आती है तो उस डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण उसका नियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और हमारी सीटों को गैर झारखंडियों में बांट दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक मजबूत स्थानीय नीति बने, फिर उस स्थानीय नीति के आधार पर एक नियोजन नीति बने। चूंकि हमारा क्षेत्र नौकरियों के बाद, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हम कहीं रोजगार सृजन करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं और माइंस के एरियाज में करते हैं, तो वहाँ जो हमारा कंपनी का जो एक्ट होगा उनमें हम लोग राज्य सरकार का जो आवेदन माने संदेश होगा वो केंद्र को भेजा जाएगा कि कंपनी एक्ट में ऐसा संशोधन हो ताकि वहाँ के रैया तो वहाँ के विस्थापित और उस आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को मैक्सिमम लाभ हो। हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में आते हैं तो राज्य की एक बेहतर कृषि नीति बनाई जाएगी, यहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर गाँव में आप चले जाएँ तो 9वीं 10वीं में जो बच्चे आ गए हैं वो भी आज अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शायद शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते हैं, तो शैक्षणिक व्यवस्था भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकी प्रदेशों की तुलना में हम पीछे हैं। तो उसके लिए हमें लगता है जो उपाय करने होंगे, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, उनके माध्यम से हम लोग जाएंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हाईकोर्ट बाकायदा कह रही है, रिम्स को फटकार लगा रही है, आपके यहाँ तो NMCH की क्या कहानी है, पत्रकार बंधु आपसे छुपा नहीं है, लेकिन रिम्स की कहानी क्या है वो हाईकोर्ट बता रही है, उनको फटकार लगा रही है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो रिम्स को बंद कर दें। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा है, अतः हम लोग राज्य की एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाएंगे जिसमें किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से बाकी जो उपकरणों की व्यवस्था होगी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। फंडिंग कुछ कमी वगैरह का महसूस होते क्या लोकसभा चुनाव? देखिए, अगर हम लोग चुनाव अगर थोड़ा सा भी, मतलब बाकी लोग नेता जो जिस प्रकार से जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हैं हम लोग जीत जाते हैं। 1 लाख वोट को आप 1 लाख मत देखिए, आप देखिए 50,000, अगला अगर 50,000 लाना था आप 50,000 आपके तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ अगर जनता को बूथ के माध्यम से अगर हम लोग 10-15 लाख भी खर्च करते हैं तो चुनाव हमारे पास होता, लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी फंडिंग की कमी, इस बात से आप स्वीकार, इस बात को स्वीकार करना होगा। और हम लोग वही जनता का चुनाव, जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। एक ऐसी भी धारणा चले कि सुदेश महतो को कमजोर करने के लिए जयराम महतो को? नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है कौन हमें प्रमोट करेगा? यही रणधीर वर्मा का चौक था, यही राजकुमार मंडल जी हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे, तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा? और हमें, हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की, आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है? कौन है जो मने तमाम जो माफिया है उनको आंख दिखाता है? कल क्या वल्लोदना की घटना आपको भी मालूम है, बताइए कोई काम मांगने गया आप गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये कैसा संवैधानिक देश है, ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? तो हमें तो हमारी निर्भीक अंदाज ने नेता बनाया, हमें तो हमारे निडर स्वभाव ने नेता बनाया है। हम किसी को ना अच्छा करने आए, मने अच्छा अगर करने आए हैं तो हम जनता को करने आए, हम किसी को खराब करने नहीं आए किसी नेता को। उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने राज्य के लिए आए हैं और राज्यवासियों के लिए अच्छा कैसे करेंगे उस पर हम लोग लगातार चिंतन मंथन करते हैं। देखिए, चूंकि मानते हैं इस बात को कि हम लोग अभी नई पार्टी है और इन सब जब चीजों में जब ढल रहे हैं, तो थोड़ा सा बकायदा मैं भी जब मंच में था तो मेरे बगल में फरजान जी थे और उषा दी थे, मैंने उनको कानों में कहा कि थोड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा है, मैं ये इस प्रकार का मंच, इस प्रकार की कुर्सियाँ, इस पर थोड़ा मैं अनकम्फर्ट फील कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पार्टी के लिए बढ़ते हैं, जब आप देश में आपकी पार्टी का नाम होता है, और देश में नहीं, मैं कहता हूँ इतिहास की चर्चा कीजिए कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ी है तो कम से कम सिंबल से लड़ी है। हमारे सारे प्रत्याशी इंडिपेंडेंट, पूरे देश में कभी 8 प्रत्याशी ऐसे नहीं चुनाव लड़े हैं। तो ये तो देश में हम लोगों ने पहचान बनाई है, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा आपको प्रोटोकॉल में ढलना पड़ता है। हालांकि हम लोग जल्द चाहेंगे कि इसका वैकल्पिक रास्ता निकले और टाउन हॉल को हम लोग पारसनाथ झुमरा में शिफ्ट करें, इस वातावरण को, इस माहौल को। बस पत्रकार बंधुओं की सुविधा के लिए हम लोग यहां तक आए थे कि पत्रकार बंधु गांधी सेवा सदन के सामने ठीक पाए जाते हैं, वहां उनका आशियाना है, तो हम लोग चाहते थे कि पत्रकार बंधुओं को इस बार सुविधा हो, इसलिए हम लोग ने टाउन हॉल को चयन किया था, नहीं तो पारसनाथ का ही चयन करते। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मोतीलाल जी को आप जानते हैं, रिजवान जी को आप जानते हैं, फरजान जी को जानते हैं, संजय जी को जानते हैं, मनोज जी को जानते हैं, ऐसे तमाम लोग जानते हैं आप, महिलाओं में पूजा जी को जानते हैं, उषा जी को जानते हैं, दयमंती जी को जानते हैं, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो सामने हैं जिनको सबको जानते हैं। तीन चेहरों को विधानसभा में
टिकट मिलेगा क्या? जी वाह, इनमें से बहुत सारों को चुनाव में एकदम टिकट मिलेगा ही मिलेगा। जयराम जी, एक सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा देखिए, सबसे पहला बात कौन किस नजर से देख रहा है वो हम नहीं कहते हैं। हम लोग अपने आप को इस राज्य के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भाजपा हमें विकल्प के रूप में देख रही है, कांग्रेस हमें विकल्प के रूप में देख रही है, वो हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए ये मसला है कि हम लोग खुद को, अपने आप को, हमारे अपने पार्टी को इस राज्य के आने वाले वर्षों में नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और ये सत्य है, जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। तो जो पार्टियाँ 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनका एक दौर जाएगा जो डाउन की ओर जाएंगे, तो उस समय हम लोग इमर्ज होकर सामने आएंगे। तो इसलिए हम लोग अपना इस राज्य का एक नए विकल्प के रूप में आए हैं। आपको जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। जिस तरह आप अभी पार्टी का रणनीति का बात कर रहे हैं, तो देखिए पार्टी का रणनीति वो इतना जल्दी अभी सोशल मीडिया में नहीं बताया जाता है, और ये सबको मालूम है कि यहाँ का जो मीटिंग हुआ ये गुप्त मीटिंग था, तो ये चीज़ नहीं शेयर कर सकती मैं। और बाकी जो होगा वो तो होने के बाद पता चल ही जाएगा। और बाकी जैसे कि कुछ रणनीति को लेकर, वो हमारे जो दादा लोग हैं हमसे, हम लोग से बड़े, हम लोग तो अभी इस ये में छोटे ही हैं, तो उन लोग से पता चल जाएगा। जैसे लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो विधानसभा को लेकर आगे क्या तैयारी, अगर जीतती है आपकी पार्टी, अगर सत्ता में आती है, तो फिर आम पब्लिक के लिए और झारखंड के लोगों के लिए क्या करेगी? देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए क्या करेगी, झारखंड के लोगों के लिए क्या करेगी, तो ये सब बताने वाली बात नहीं है मैम। ये सब जो है, जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे, ये सारे सवाल प्रत्याशी जवाब देंगे। हम लोग प्रत्याशी नहीं है, और मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं इस JVKSS की हूँ, इस JVKSS की महिला मोर्चा की सचिव हूँ, तो ये जवाब प्रत्याशी ही देंगे। और रही बात जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आगे का कैसा रहेगा चुनाव को लेकर, तो मैं विशेष चुनाव को लेकर बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, तो मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा बात नहीं रखूंगी। मैं अपने आप को अभी उस काबिल नहीं समझती हूँ कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, और चुनाव लड़ने के बाद एक विधायक का बहुत सारा जिम्मेदारियाँ होता है। तो मेरा मानना है कि अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, और इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ लूँगी तो मुझे वो जिम्मेदारियाँ बेखूबी से निभानी पड़ेगी। अगर हो सके, मतलब यही मैं सोचती हूँ कि शायद नहीं कर पाऊँगी इतना, मतलब जिस तरह से एक विधायक को करना चाहिए उस तरह से शायद मैं समय नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना एजुकेशन लेवल भी अभी आगे बढ़ाना है, कंप्लीट करना है। आज JVKSS का महासम्मेलन है, और इस सम्मेलन में हम लोग अल्पसंख्यक बोकारो जिला से काफ़ी तादाद में आए हैं, और अल्पसंख्यक काफ़ी तादाद में JVKSS का दामन थाम रहे हैं, JVKSS के और अल्पसंख्यक भरोसा कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक इस पर जुड़ रहा है, और वोट भी बैंक बन रहा है JVKSS का, जिसे हमारे जयराम दा एक साफ छवि का नेता है, और यहाँ का झारखंडी मूलवासी, यहाँ का खतियानी, यहाँ का रेती, यहाँ का जो झारखंड चतुर्वर्ग नौकरी विस्थापन, ये सारा पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग इस पार्टी से ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। देखिए, जयराम का समर्थन नहीं है, जयराम को पार्टी का जो उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति में विनोद बिहारी महतो के स्थल से, उस स्थल में मैं रहता हूँ, उस स्थल में उनको मैंने पूर्ण रूप से सहयोग करके पार्टी को बनाने में मदद किया। विधानसभा में ही, जमशेदपुर में भी, जहाँ जहाँ इनका प्रोग्राम हुआ तहाँ तहाँ हम लोग गए, और बिना मैंने निस्वार्थ भावना से लोग गए, अपना पैसा जला के गए, और लोगों ने उनको जहाँ जरूरत पड़ा वो अर्थबल भी व्यय किया। और हम तो चाहते हैं कि जयराम जैसा पार्टी अगर आ जाए, मैंने ऐसा अगर उत्पत्ति अगर इस तरह दो चार और हो जाए, तो झारखंड में जितने भी अन्य हो रहा है, जिन जिन विभाग में हो रहा है, इतना आँख में दिखाई पड़ रहा है, ये सारे चीज हमको लग रहा है लुप्त हो जाएगा। आज की भविष्य जो देख रहे हैं, बच्चों का भविष्य, ये पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं, आज झारखंडी लोग पढ़ नहीं रहे, तमाम स्कूल में जो BPL की शिक्षा ग्रहण हो रही है, कितने मंत्री आज चल गए झारखंड की, कितने मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के ही बना, लेकिन उन्होंने BPL धारी को एक भी बच्चे को फ्री कभी नहीं पढ़ाया। आज इन्होंने आज तक किया नहीं किया झारखंडी लोग। ये हमारे पार्टी आते हैं तो हम यही चाहते हैं कि अन्याय न हो, लोग गरीब का जो चीज है वो छीने नहीं बड़े लोग, ये नहीं होना चाहिए। चीज दिखाई पड़ा अभी भूतनाथ रजवार, जो DSC साहब है उन्होंने पकड़ा है, अब देखते हैं DC साहब कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मैडम बोलते हैं हम सच्चाई में हैं, हमको लग रहा है मैडम भी कार्रवाई नहीं करेंगे इस बार, और इस तरह कार्रवाई नहीं करने के कारण ये लोग उत्पत्ति हो रहा है। अब ये जो पूर्वज में जो आंदोलन किया था झारखंड में, वो आंदोलन का रूप ले चुका है, अब कोई रोक नहीं सकता है झारखंड को। इसलिए हम चाहते हैं कि
कम से कम जो बेमान से उन लोग का अभी थे वो अपना तबादला कर ले, और नहीं तो फिर ये जयराम की पार्टी अब इन लोग को छोड़ने वाला नहीं है। साफ तौर पर आपने कहा कि हमने टाइगर जयराम पार्टी के लोगों ने बताया कि लोगों का समर्थन मिला है लेकिन उससे ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं कह निकल साफ तौर पर जो बात निकल के आई थी इस बार लगभग झारखंड के लोगों के लिए पार्टी काम करेगी और झारखंड के लोग को दे रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन देखेंगे। चुनाव में क्या कुछ होता है क्योंकि अब तमाम पार्टी जो है वो अपना एड़ी चोटी कर चुकी है और क्योंकि चुनाव दस्तक दे चुका है बहुत जल्द उसके बाद जो है कौन पार्टी टिकट है इसके बारे में भी जो है साफ जानकारी मिल जाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स वहां पर पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ।